यदि आप भी अपना फोन पे से बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, आपका कोई सा भी बैंक हो, तो सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए कि मेरे जीमेल आईडी पर एक यहाँ पर स्टेटमेंट आया है जो कि पीडीएफ बन के आया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये पीडीएफ में यहाँ से डाउनलोड करके इस स्टेटमेंट को कहीं भी यूज कर सकता हूँ। और आप भी अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, आपका SBI में हो या पंजाब बैंक में हो, आपका किसी भी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं अपने फोन पे अकाउंट से, आप जितना भी दिन के स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, आपका कोई सा भी बैंक हो, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रूफ दिखा दिया हूँ, आप इसी तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है, यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाना है और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तभी जाकर आप समझ पाइएगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर नीचे की तरफ में, ध्यान से देखिएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा हिस्ट्री का, तो आपको हिस्ट्री वाले पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर, देखिए सबसे ऊपर में डाउनलोड स्टेटमेंट का एक ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड स्टेटमेंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप कितना दिन का डाउनलोड करना चाहते हैं, आपका जो भी बैंक यहाँ पर लिंक होगा उसका वहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप पहले बार आते हैं तो आपको यहाँ पर जीमेल आईडी भी वेरीफाई करने का ऑप्शन आ सकता है, तो आप कर सकते हैं। यहीं से मैं भी डाउनलोड किया हूँ, तो यहाँ से देखिए मुझे 30 दिन का चाहिए तो 30 दिन पर सेलेक्ट करेंगे, आपको 90 दिन का स्टेटमेंट चाहिए तो 90 दिन पर सेलेक्ट करेंगे, आपको जितना भी दिन चाहिए वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मुझे 365 दिन का चाहिए तो मैं 365 दिन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा प्रोसेस का नीचे की तरफ में, प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका स्टेटमेंट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, आप 60 सेकंड रुक जाइएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद व्यू स्टेटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो भी मेरा स्टेटमेंट है यहाँ पर खुल के आ जाएगा, बट यहाँ से डाउनलोड नहीं हो पाएगा। बट आपको डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सबसे ऊपर में देखिए एक रेंज का ऑप्शन आ रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर का, तो आपको फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जितना भी दिन का चाहिए उस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जीमेल आईडी का वेरीफाई करने का ऑप्शन भी आएगा, तो आपको जीमेल आईडी डाल देना है, जो जीमेल आईडी आप अभी पर यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर जीमेल आईडी डालने के बाद आपको वहाँ पर कन्फर्म पर वेरीफाई पर क्लिक करना है, उसी जीमेल आईडी पर एक कोड जाएगा, उस कोड को यहाँ पर डाल देना है, आपका जीमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा और आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। चलिए मैं यहाँ से कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ। कन्फर्म पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो स्टेटमेंट आपके जीमेल आईडी पर आ जाएगा, आपके इसी जीमेल आईडी पर आपका स्टेटमेंट जो होगा वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। आपको 1 से 2 घंटे या 24 घंटे वेट कर लेना है, आपके उसी जीमेल आईडी पर आ जाएंगे, जो जीमेल आईडी यहाँ पर शो हो कर रहा होगा, तो उस जीमेल आईडी पर आपको एक पीडीएफ बन के आएगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, वही आपका बैंक स्टेटमेंट वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और आप हर एक बैंक का आप यहाँ से कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा आपको प्ले स्टोर पर जाकर फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट भी कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर पाइएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और अपने भाई के साथ आप जुड़ जाइए।